तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आर्म आर्किटेक्चर को समझ रहे थे। आर्म आर्किटेक्चर को मैं आपको इसका हो सकता है डायग्राम आपको दिखने में समझ नहीं आ रहा हो या इस तरह की समस्या हो, तो मैं उससे रिलेटेड मैं आपको इसके दो और डायग्राम दिखाऊंगा। ये डायग्राम हमने इस वेबसाइट से डाउनलोड करे हैं, आप भी चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये सब बेसिकली इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल है, मैं लिंक तो आपको दूंगा ही साथ में वीडियो के। और आप देखेंगे कि इसमें डिटो वही बात है जो एड्रेस बस हमने देखी थी, सेम एड्रेस बस यहाँ पे है, ये रही एड्रेस बस। इसके साथ हमने देखा था कि एड्रेस इंक्रीमेंट रजिस्टर होता है और ये जो बस होती है इसको हम इंक्रीमेंट बस के नाम से भी जानते हैं। और ये बस जो होती है इस रजिस्टर बैंक में लगी हुई होती है, ये रहा हमारा रजिस्टर बैंक। इसमें 31 रजिस्टर हैं 32 बिट्स के और 6 स्टेटस रजिस्टर्स हैं। अलग अलग तरीके से मल्टीप्लायर और बैरल शिफ्टर का काम होता है, इनको बोलते हैं हम हार्डवेयर मैक्रो। ये जो है हमारी एड्रेस बस और ये जो बस हो गई, ये हो गई हमारी ALU वाली बस। इस तरीके से अलग अलग और ले देखिए सब आता है इसी पे ही है। फाइनली इसी डायग्राम का मिलता जुलता जो हमारा ऊपर वाला डायग्राम था, इसमें हमने राइट डेटा रजिस्टर ये वाला जो कंपोनेंट है ये, और जो रीड रजिस्टर, रीड और राइट दोनों रजिस्टर हमने लगाए थे, जिसमें हमने बताया था कि ये जो है राइट ऑपरेशन करेगा, ये हमेशा रीड ऑपरेशन करो, यहाँ से चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जाएंगी और यहाँ से कंप्यूटर चीज़ों को बाहर निकालता है। और हमने दिखा था कि बूथ मल्टीप्लायर बैरल शिफ्टर के काम क्या होते हैं, हार्डवेयर मैक्रोस की तरह होते हैं। हार्डवेयर मैक्रोस भी हमने डिस्कस किया था, वैसा ही है कि यदि मैं कुछ चीज़ सीधे समझ नहीं सकता तो मैं क्या करता हूँ कि उसको सरल भाषा में पहले तोड़ता हूँ और फिर उसको समझता हूँ या उसको एग्जीक्यूट करता हूँ या उसको प्रोसेस करता हूँ। तो सेम काम बूथ मल्टीप्लायर और बैरल शिफ्टर जो है हमारे लिए करते हैं। साथ ही साथ में हमने एक यूनिट देखी थी, उस यूनिट का नाम था इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट। इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट में यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको अभी हमने नॉर्मली देखा है, लेकिन हमने इसको कभी इतने मतलब गौर से नहीं देखा था। अभी हम क्या करेंगे, इसके कुछ जो सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो आर्म के केस में कैसे होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिग्नल है। अबॉर्ट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ये आपकी बस के कंट्रोल से रिलेटेड है। जैसे कोई बाहर से कोई चीज़ आई तो उसको कैसे हैंडल करना है, यदि कोई रीसेट की कमांड आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, हम क्लॉक कहाँ से देंगे, कैसे दूसरों को बताएंगे कि रुको अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो क्लॉक का और वेट का अलग अलग तरीके से सिग्नल होता है। साथ ही साथ में एक प्रोसेसर, आर्म के प्रोसेसर की विशेष बात है, ये सिर्फ पावर सेव मोड में नहीं बहुत अन्य मोडों में भी काम करता है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, डेटा बस किस तरह से होती है, आउटपुट कैसे आता है, या रीड बस वाला जो काम था वो, उसके साथ मेमोरी से कम्युनिकेट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ में यदि मेरे पास कोई को प्रोसेसर हो उसको कैसे हैंडल करना है। को प्रोसेसर का मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों हार्डवेयर एक्सेलेरेटर और को प्रोसेसर में फर्क होता है। जो को प्रोसेसर होते हैं वो CPU के साथ ही अटैच होते हैं। यदि ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के साथ मैंने एक और कंप्यूटर या CPU लगा दिया तो ये तो हो जाएगा मेन CPU, लेकिन ये हो जाएगा को प्रोसेसर। हार्डवेयर और को प्रोसेसर को हार्डवेयर एक्सेलेरेटर के साथ बड़ा कंफ्यूजन किया जाता है। हार्डवेयर एक्सेलेरेटर जो होते हैं वो दूसरी चीज होती है। उसमें क्या होता है कि जो CPU होता है ना, CPU की बस के साथ जो कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं जैसे मेमोरी और GPIOs जो कनेक्ट होते हैं। अब यदि मैं सिस्टम बस के साथ यदि मैं कोई प्रोसेसर या CPU लगाता हूं तो ये हो जाएगा हार्डवेयर एक्सेलेरेटर। तो ये बेसिकली फर्क होता है। हार्डवेयर एक्सेलेरेटर को प्रोसेसर को जनरली लोग समझते सेम ही है, बट इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक सिस्टम बस में कनेक्ट होता है और एक सीधे सीधे यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे कुछ है प्रोसेसर या CPU यूनिट है तो वो को प्रोसेसर हो जाएगा, लेकिन वो यदि वही चीज यहाँ पे है तो वो हार्डवेयर एक्सेलेरेटर हो जाएगी। तो ये सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं है, सीधे सिस्टम से कनेक्टेड है ना। जबकि आप ये चीज और ये चीज से कोई भी चीज कनेक्टेड होती है तो वो हो जाती है हमारी एक्सेलेरेटर। ALE है, DB है, अलग अलग तरीके। अब ये सारे जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं, है ना, ये पावर मोड, पावर देना पड़ती है पावर को हैंडल करने। ये तो ये एक बहुत ही
सरल तरीके से आपको ये देखना कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, आर्म प्रोसेसर क्या होता है, इसके अंदर ये किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। दोस्तों घबराने की या कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दिखने में देखिए कितना कठिन है, लेकिन जब एक बार हमने इस पर चर्चा करी तो ये बिल्कुल ही कठिन नहीं लगेगा, बड़ा बल्कि आपको आसान ही लगेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि इससे और आप जितने सवाल पूछेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको सरल लगने लग जाएगी। तो दोस्तों कृपया आपके यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम जानना चाहेंगे, देखिए दोस्तों ये भी एक डायग्राम था जो मैं उस समय आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये जो सारे सिग्नल्स थे इस कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी सिग्नल्स थे, ये सारे सिग्नल आप इसमें देखेंगे तो ये कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सिग्नल है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल है। जब आप प्रोग्रामर होते हैं तो आप इन इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। बेसिकली अभी मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँ तो जो सिग्नल हमने ऊपर इस डायग्राम में देखे थे, इंटरप्ट वाले, ये सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड हैं। बस ये जो डब्बा है, ये डब्बा अब आप देखो, मैं इसमें ढूंढ ढूंढ बता, ये IFIQ इंटरप्ट वाले, IQ मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ना, पिन इनेबल, क्लॉक को बताना है ना, टाइमिंग, बेसिकली इसमें टाइमिंग एंड कंट्रोल के से रिलेटेड सारे ऑपरेशन ऑपरेशंस होते हैं, सब कुछ ये उसी से रिलेटेड करता है कुछ, लेकिन कुछ बार इन्फॉर्मेशन भेजता है, कुछ बार इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गौर से एकदम एक एक इंस्ट्रक्शंस को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एम्बेड सिस्टम में जो ज़्यादा इम्फेसाइज होता है वो मेजरली हम कोडिंग पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज देते हैं और थोड़ा सा हार्डवेयर की नॉलेज पे इम्फेसाइज देते हैं। तो जैसे अब मेरे को मालूम होना चाहिए, अरे मैं तो कोड लिख रहा हूँ ऐसा, लेकिन मेरे पास वो सिर्फ 32 रजिस्टर है, अभी मैं कुछ ज़्यादा हैवी कुछ भी लिखूंगा तो वो उससे ओवरफ्लो हो सकता है, मतलब कोड वार्निंग देता है, कोड कभी कभी एरर देता है। तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण या तो कंपाइलर से रिलेटेड होते हैं, बहुत हद तक वो हार्डवेयर से एसोसिएटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम इस ये थोड़ा देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कैसे इसके रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, है ना, आर्म के रजिस्टर्स, आर्म रजिस्टर्स। आर्म का आर्किटेक्चर बड़ा ही, मतलब इसको अलग माना जाता है और बड़ा मतलब विशेष आर्किटेक्चर है। इस केस में क्या होता है कि आपके पास रजिस्टर्स होते हैं कुल टोटल में 15 32 रजिस्टर होते हैं, जिनमें से 15 जो होते हैं, और सब रजिस्टरों के ऐसे नाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपके पास कुल जो है, फिर जो 15 रजिस्टर होते हैं, लेकिन मैं अभी 13 से नाम लिखना चालू करूंगा, ये थोड़ा जरूरी कंपोनेंट है, 13 14 15। तो जो 13वां रजिस्टर होता है ये होता है आपका स्टैक पॉइंटर, इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, R13 से। 14वां जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं LR, LR का फुल फॉर्म होता है लिंक रजिस्टर। इसी तरह से आपका जो 15वां रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं PC, या PC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। इस तरह ये होती है इसकी बाय डिफॉल्ट इन जनरल सेटिंग, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ में हमको देखना पड़ता है इसके बाद एक और रजिस्टर होता है, और सारे रजिस्टर का साइज कितना होता है, 32 बिट, हर रजिस्टर इसमें 32 बिट का होता है। तो जो दूसरी चीज है जो देखने वाली है उसमें होता है CPSR। जो CPSR होता है, CPSR का जो साइज होता है वो होता है कितना होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका भी साइज कितना होगा, 32 बिट, और इसका फुल फॉर्म होता है करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। दोस्तों ये है इसका स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर अभी तक हमने जनरली देखा नहीं था, हमने देखा था कोई भी आफ्टरमैथ होता तो उसको सेव करने के काम आते, जैसे कैरी बीच में आई, पिछले वीडियो में देखा था कि कैरी आई कि नहीं आई, ऑक्सबी इंटरमीडिएट कैलरी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही, किसी चीज के आका के ऑपरेशन के बाद वो उसका जो आउटकम है वो जीरो है या नॉन जीरो है ना, पैरिटी इवन है, और इस तरीके से चीज देखते। लेकिन इस केस में आपको इसका स्टेटस रजिस्टर, आर्म का स्टेटस रजिस्टर समझना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, यहां से टिल R12 सारे जनरल पर्पज रजिस्टर थे, है ना, और उसके बाद हमने इसको बाय डिफॉल्ट, इसमें हमने 13 को स्टैक पॉइंटर, 14 को लिंक रजिस्टर और 15 को PC मान लिया, मानते हैं, इस तरीके से आगे काम करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में इसमें समझने वाली बात क्या है कि
इसमें आप किसी भी रजिस्टर को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 ही पीसी रहेगा या 14 ही रहेगा, आप किसी भी रजिस्टर को जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस रजिस्टर की तरह से यूज कर सकते हैं, जीपीआर या एसपीआर की तरह से। लेकिन एक यूजर मोड में ये R13 रहता है स्टैक पॉइंटर, ये R14 लिंक रजिस्टर और R15 पीसी रहता है। दोस्तों अब हम देखेंगे CPSR के अंदर बेसिकली कंपोनेंट्स होते क्या है और CPSR किस तरीके से काम करता है। तो CPSR का जो बेसिकली जो काम होता है, CPSR का इसका बेसिकली काम होता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन ऑपरेशन ये इंटरनल ऑपरेशन को संभालने के लिए और देखने के काम आता है। बेसिकली अब मैं इसको कहता हूं आफ्टरमैथ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, प्लस अभी आफ्टरमैथ के प्लस प्रेजेंट स्टेट, ये होगा कि वर्तमान में वर्तमान स्थिति कंप्यूटर में क्या क्या है और कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे CPSR को। CPSR में अब मैं CPSR ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ करना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे CPSR आपको ड्रॉ करके बताता हूँ CPSR कैसे काम करता है। CPSR के केस में क्या होता है, हमारे पास होता है, अब ये है 32 बिट का रजिस्टर, 32 बिट का, लेकिन हम इसमें हर चीज बिट वाइज देखेंगे। बिट वाइज ये है N, इसको बोलते हैं यदि कोई भी आउटकम नेगेटिव आता है, जैसे कि अब मैं इसको एग्जांपल लेके बार बार बताऊंगा, तो A माइनस B करा, अब इसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यदि नेगेटिव है तो ये रजिस्टर सेट हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा जो होता है वो है हमारा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, आउटकम यदि जीरो है तो वो बता देगा। इसी तरह से हमारा तीसरी जो रजिस्टर होता है वो होता है सी रजिस्टर, ये हो गया हमारा कैरी, ये हो गया हमारा जीरो, इस तरीके से ये काम करता है। वी जो होता है, वी को बोलते हैं हम साइंड ओवरफ्लो, साइंड ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि यदि मैं सिर्फ 32 बिट का, जैसे a प्लस बी करें या a माइनस बी करें या a इंटू बी करें, इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी, लेट से इट इज x, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 32 बिट। जो भी आउटपुट आए 32 बिट का आए, 32 बिट से ज्यादा आउटपुट अपन हैंडल नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो ओवरफ्लो बिट बता देगा। जैसे कि मेरे को मालूम है कि 99 प्लस एक करना है या जीरो एक करना है, तो मैं इस तरह की चीजों को हैंडल करूंगा, डेसिमल में जब इसका इसको जोड़ूंगा तो मैं टेंस तक की लोकेशन तक के लिए तो मेरे पे कंप्यूटर है, लेकिन जैसे ही वो हंड्रेड्स की लोकेशन पे जाएगा तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसका आउटपुट आ रहा है कितना, 10, अब यह आउटपुट हो रहा है 00, लेकिन ये जो है ये ओवरफ्लो या ये इसका ज्यादा हो गया है ना, जैसे कि हेक्साडेसिमल के केस में कैसे मानते हैं, 0 से लेके 255, जैसी कोई वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो वो क्या, इफ इससे ज्यादा होगी तो वो क्या मानी जाएगी, ओवरफ्लो मानी जाएगी। कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा हो रही है तो वो चीज ओवरफ्लो में आ जाती है, तो मैं इसके अब इस केस में मैं इस चीज को इसके आउटकम को हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको क्या बताऊं। अब लेकिन आउटपुट तो पूरा 100 दिखाना चाहिए, लेकिन मैं 100 नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मेरी डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ 110 तक के लिए ही, उसके आगे है ही नहीं। अब इसी तरह से जो नंबर सिस्टम में जैसे 8 बिट की कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं हेक्साडेसिमल में भी जाता हूं तो FF तक जा सकता हूं, FF इज फॉर 256 के केस, अब मैं सुपर नहीं जा सकता, 32 बिट के केस में मैं और भी ज्यादा कर सकता हूं, 2 to the power 32 आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा है ना। तो यदि मैं इससे ज्यादा नहीं आ सकता, जैसे ही इससे ज्यादा होगा वैसे ही वो क्या, इट इज मोर देन दिस देन इट इज गोइंग टू बी ओवर फ्लो में उसको माना जाएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं है ना, और इसी तरह साइंड ओवरफ्लो और दूसरा जो होता है ये भी ओवरफ्लो ही है, बट ये नॉन साइंड ओवरफ्लो है, एन ओवरफ्लो, अनदर ओवरफ्लो, जस्ट टू बताने के लिए इसकी। अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, ये जो रजिस्टर्स हैं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग
फ्लैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से सिंबलिज्म या झंडे की तरह काम करते हैं, जैसे कि फ्लैग रेज हुआ है ना, या फिर फ्लैग नहीं रेज हुआ, या फ्लैग डाउन हो गया और अप, दो स्टेट होती, या फिर आप इसको बोलते हैं जीरो या वन, या तो वो संदेश पहुंचा बता दिया या नहीं बता दिया, तो आप जीरो या वन में ही देखते। तो ये होते कितने बिट के, इनका साइज कितना था, वन बिट। जो भी हम इसमें बात कर रहे हैं, मतलब इस रजिस्टर में सीपीएसआर में बात कर रहे हैं, इसका टोटल साइज तो 32 बिट है, लेकिन एन जेड सी वी ओ का साइज 32 बिट नहीं है, इनका साइज है 1 बिट पर फ्लैग, 1 बिट साइज है। तो एन का साइज 1 बिट है, एन में क्या आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या फिर एन में 1 आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। इसके साथ ही क्या होता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती है, इसको हम नाम देंगे फ्यूचर या फीचर एक्सटेंशन। यदि कभी भविष्य में जरूरत पड़ जाए है ना, या और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टेटस एक्सटेंशन, कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, जब तक जरूरत नहीं पड़ रही तब तक कोई बात नहीं। तो और यहां से अब इसके बाद हम और रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें से एक रजिस्टर होता है आई रजिस्टर, इसको बोलते हैं इंटरप्ट डिसेबल, इफ इंटरप्ट इज डिसेबल, ओके। इसके बाद होता है एफ, जिसको बोलते हैं एफ आई क्यू, यदि आती है फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट तो उसको एफ आई क्यू में हैंडल करते हैं। और तीसरा होता है टी, या फिर होता है थम, टी को बोलते हैं थम, यदि कोई थम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में आप देखते हो कि थम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, थम स्टेटस चेक करने के लिए। थम इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन होते थे दोस्तों? थम इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होते थे जो छोटे 16 बिट के जो इंस्ट्रक्शन होते थे उनको थम इंस्ट्रक्शन बोलते। तो आपको ये, अब आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि थम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, साथ में आप देख सकते हैं कि एफ आई क्यू की रिक्वेस्ट आई कि नहीं आई। एफ आई क्यू का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? एफ आई क्यू का फुल फॉर्म होता है फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब ये सब ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट और फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट में क्या फर्क है। तो फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और दूसरा जो होता है इफ आई आर क्यू इज आई इट इज एसोसिएटेड विद आई आर क्यू, मतलब कि आई आर क्यू डिसेबल है तो ये ट्रू हो जाएगा, यदि एफ आई क्यू डिसेबल है तो ये ट्रू हो जाएगा, और यदि थम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं या थम का जो भी स्टेटस है तो उस हिसाब से ये भी इनेबल हो जाएगा। यदि आपको CPSR से एसोसिएटेड कोई से भी डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें एक चीज़ और ज़रूर ऐड करूँगा। जैसे कि हमने CPSR में देखा कि इसमें क्या कौन कौन से रजिस्टर होते थे, N होता था, Z होता था, C होता था, V होता था, O होता था, फ्यूचर एक्सपेंशन होता था, और फ्यूचर एक्सपेंशन के साथ हमारे पास जो रजिस्टर होते थे वो होते थे आई एफ और टी। आई एफ और टी जो रजिस्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है, और इसमें इसको बोलते हैं स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर क्या बताते हैं, या स्टेटस फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल फ्लैग या कंट्रोल रजिस्टर, आप रजिस्टर बोलिए इस केस में या फ्लैग बोलिए, दोनों एक ही बात है। बेसिकली ये जीरो और वन, या फिर आप कह सकते हो ट्रू और फॉल्स की स्टेट ही बताते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। तो दोस्तों इस केस में हम एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि CPSR तो हो गया जो प्रोग्राम की करंट स्थिति उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन इसी तरीके से एक और रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं SPSR या सेव प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, इसको भी जानना उतना ही जरूरी है। बेसिकली ये क्या करेगा, जो जब जैसी जैसी ये प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ आएगी तो ये पुराने प्रोग्राम से रिलेटेड CPSR की सारी वैल्यू अपने में स्टोर कर लेता है, ये होता है इसका मुख्य काम। CPSR और SPSR में फ़र्क पूछा जाता है कभी, और अपने को पता भी होना चाहिए। CPSR होता है कि प्रोग्राम की प्रेजेंट स्टेट और उसके कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन, और SPSR वो इंफॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन जो हम नई जगह जंप करने से पहले जो भी प्रोग्राम की स्टेट थी उसके बारे में सारी जानकारी, स्टेट
स्टेटस और कंट्रोल से रिलेटेड सारी जानकारी। एसपीएसआर के केस में एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो करंट प्रोग्राम का स्टेटस जो उसकी जो सीपीएसआर की वैल्यू है वो सारी एसपीएसआर में सेव हो जाएगी और सीपीएसआर में वो सारी चीज़ें रहेंगी जो प्रेजेंट में कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमने आज के वीडियो में हमने देखा आर्म के सिर के जो स्टेटस रजिस्टर थे उनके बारे में, नॉर्मल रजिस्टर थे उनके बारे में, आर्म के रजिस्टर स्ट्रक्चर के बारे में, सीपीएसआर और एसपीआर के बीच में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।